वेलकम बैक टू कोर सिटी। टुडे वी कवरिंग द माउंटेन पीक्स का थर्ड पार्ट। कुछ पहले कवर की थी, दो पार्ट्स में एक बार चेकआउट कर लेना। तो इसमें हम पढ़ेंगे माउंट मैकिनले, जो अलास्का में है। अलास्का इज पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इट्स द 50th स्टेट हु एंटर्ड द यूनियन ऑफ स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, सो माउंट मैकिनले जो है वो हाइएस्ट पीक है नॉर्दर्न अमेरिका की। एंड मैकिनले का अदर नेम इज देनाली। जो अथाबास्कन नेटिव्स है अलास्का के, तो वो इसको देनाली बोलते हैं। देनाली का मतलब होता है द ग्रेट वन, ठीक है। और वुड फ्रॉग यहाँ पे मिलता है, देनाली नेशनल पार्क में मिलता है। दैट्स द ओनली एम्फीबियन जो नेचुरली रिजाइड करता है यहाँ पे, ठीक है। तो वुड फ्रॉग जो ऊपर यहाँ पे पिक्चर लगी है, दैट्स अ वुड फ्रॉग। एंड ऑल्सो इट वॉज प्रपोज एज द ऑफिशियल एम्फीबियन ऑफ न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द नेक्स्ट इज माउंट कुक, सदर्न एल्प्स में होता है। तो जब भी एल्प्स का नाम आता है तो हमारे दिमाग में आता है कि एल्प्स मतलब फ्रांस, यूरोप। बट ध्यान रखना कि वो एल्प्स हैं, दीज आर द सदर्न एल्प्स, एंड सदर्न एल्प्स जो है वो न्यूजीलैंड में है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो माउंट कुक जो है वो यहाँ की पीक है। माउंट कुक को और आकी माउंट कुक भी बोलते हैं, न्यूजीलैंड की हाईएस्ट माउंटेन पीक है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स मिलते हैं, मासिव ग्लेशियर्स। उसमें से कुछ है तस्मान ग्लेशियर, हुकर, मर्शिसन एंड म्यूलर ग्लेशियर, ठीक है। जो माउंट कुक नेशनल पार्क है उसको हेवन बोला जाता है फॉर द बर्ड्स। बर्ड्स यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, वन इज द की एंड अदर इज कैमोफ्लाज पिपिट, ठीक है। दोनों के पिक्चर्स मैंने यहाँ पे लगाए हैं। की जो है वो ओनली सदर्न एल्प्स में मिलता है और कहीं नहीं पाया जाता है। इट्स अ अल्पाइन पैरट, ठीक है। बहुत ही कलरफुल होता है एंड इस ऊपर से काफ़ी कैमोफ्लाज होता है, बट जब वो अपने पंख खोलता है तो बहुत ही कलरफुल और ब्यूटीफुल होता है, ठीक है। जो कैमोफ्लाज पिपिट है, कैमोफ्लाज का मतलब क्या होता है कि अपनी सराउंडिंग के साथ मिक्स हो जाना, ठीक है। वो इजीली विजिबल नहीं होते, वो ब्रांचेस के कलर्स के साथ मैच होता हो जाते हैं, ठीक है। तो कैमोफ्लाज पिपिट जो है वो भी यहाँ पे मिलता है सदर्न एल्प्स में, माउंट कुक पे, ठीक है। किलिमंजारो जो है, दैट्स द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका। एंड जो अभी तक हमने जो भी माउंटेन्स पढ़े हैं, माउंटेन पीक्स पढ़े हैं, दे वर द पार्ट ऑफ सम काइंड ऑफ चेन ऑफ सीरीज। जैसे हिमालयाज का पार्ट है, एंडीज का पार्ट है, एल्प्स का पार्ट है, ऐसे। बट जो किलिमंजारो है वो कोई माउंटेन चेन्स का पार्ट नहीं है। इट्स ओनली अलोन वॉल्फ वेयर की तरह वहाँ पे खड़ी हुई है, ठीक है। एंड इट वॉज अ वॉल्केनो, ठीक है, जो अभी डोरमेंट हो चुके हैं। माउंट किलिमंजारो जो है टॉलेस्ट माउंटेन है कहाँ का, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, एंड हाईएस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन इन द वर्ल्ड है, ठीक है। फ्री स्टैंडिंग, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ चेन, दोबारा से बोल रही हूँ, ठीक है। किलिमंजारो जो है वो तीन वॉल्केनिक कोन्स हैं। वन इज मोवेंजी, शीरा एंड कीबो, ठीक है। जो दो है वो एक्सटेंट हो चुकी है, एक्सटेंट मतलब काफ़ी टाइम से इरप्ट नहीं हुई है, एंड नाउ देर इज नो स्कोप के वो इरप्ट हो। बट जो कीबो है वो डोरमेंट है, कि कभी भी इरप्ट हो सकती है, नियर बाय फ्यूचर इरप्ट हो सकती है, बट इन नियर बाय पास्ट वो इरप्ट नहीं हुई है। डोरमेंट का मतलब ये होता है कि काफ़ी नॉन टाइम से वो इरप्ट नहीं हुई है, बट उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर स्टेट ऐसी है कि वो कभी भी हो सकती है इरप्ट, ठीक है। तो कुड इरप्ट अगेन। तो जो ये माउंटेन है दैट्स ऑन इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर पे है मतलब क्या है कि वहाँ पे सनशाइन डायरेक्टली आता है, मतलब इट्स द पीक सनशाइन एरिया, ठीक है। जहाँ पे बहुत सारा इक्वेटोरियल वेदर मिलता है, रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा सनशाइन करता है, बहुत समर रहता है, ठीक है। तो बेसिकली जब फुट हिल से किलिमंजारो के आप टॉप तक जाते हो, तो व्हाट यू विल कवर फ्रॉम द एक्सट्रीम सन टू लोएस्ट सन, लाइक यू विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम इक्वेटर टू अंटार्कटिका, बिकॉज ऊपर पॉलर कैप्स, बिकॉज इट्स हाइट इज ट्रेमेंडस। तो पूरा हाइट जब कवर करते हो तो इट्स अ ट्रैवल फ्रॉम इक्वेटर टू अंटार्कटिका। तो दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस टू ट्रैक ऑन माउंट किलिमंजारो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। सब्सक्राइब टू कोर सिटी। बाय।